हेलो फ्यूचर कैप्टन्स, आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन से हो सकते हो। आप शायद इंजीनियर हो, या आप प्रॉपर्ली सेल्स में हो, या आप कॉलेज में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्रॉप आउट हो। किसी को क्या ही फर्क पड़ता है कि आप क्रिएटिव हो या नहीं। वेल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्रिएटिव हो या नहीं। सिंस चाइल्डहुड, सिंस माई 11th ग्रेड, आई ऑलवेज थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ क्रिएटिव पर्सन। बट वेन आई वेंट टू माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू मेक अ करियर आउट ऑफ बींग क्रिएटिव, दे वर कंफ्यूज्ड एंड सो वॉज आई। आई डिड नॉट नो वॉट ऑल करियर ऑप्शंस वर देयर फॉर समवन हु वॉज रियली रियली क्रिएटिव। आई एम रूहान नकाश, आई एम द को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ माई कैप्टन, विच इज इंडियाज only school for creators and marketers of the future. And today in this video, I want to explain to you what all careers lie out there for creative people like you and I. But wait, ye careers sirf creative logon ke liye hai, ye kyun? Ruko zara, sabar karo. Well, I'll come to that in the middle of the video. Please keep watching. Now, one of the first things that comes to my mind, one of the first careers that comes to my mind when I think of perfect careers for creative people is digital marketing. I'm sure you were targeted with a lot of ads. आपने बहुत ads देखे होंगे। आजकल आप ads देखते हैं Facebook पे, Instagram पे, YouTube पे, Quora पे, हर जगह। मैं भी बहुत तंग आ जाता हूँ ads देख देख के। ये कौन चलाता है ये ads? ये YouTube आपको दिखा रहा होता है ये ads? Or is this someone from a particular brand or company that is using YouTube to show you these ads? Well, let me answer this question in a very interesting example. I love rock and roll music. मुझे बहुत पसंद है rock music और hence मुझे headphones, मेरे headphones बहुत अच्छे होने चाहिए, strong होने चाहिए। तो अब जब मैं ये headphones लेने गया तो मैंने simple Google पे गया, जैसे मैं और आप दोनों सेम ही चीज करते हैं। मैं Google पे गया और मैंने सर्च किया कि बेस्ट बोट हेडफोन्स कौन से हैं। पहली लिंक बोट की वेबसाइट थी, ऑब्वियसली मैं उस पर क्लिक किया और मैंने स्क्रोल थ्रू किया। लाइक ऑल इंडियन यूजर्स एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू कंपेयर द प्राइसिंग एंड आई वांट टू सी कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेटर है, राइट? आफ्टर सम टाइम हर एक प्लेटफॉर्म पे बोट ने मुझे अपने एड से टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोरा हो, लिंक्डइन हो, हर एक जगह पे बोट 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 बोट। तंग आ गया मैं, पीछा नहीं छोड़ने लगे। ये कौन कर रहा है? दिस इज ऑब्वियसली अ डिजिटल मार्केटर सिटिंग इन द ऑफिस ऑफ बोट ट्राइंग टू टारगेट एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन हेडफोन्स। एंड दिस इज नॉट ए सिंगल डिजिटल मार्केटर, दिस इज अ टीम ऑफ डिजिटल मार्केटर्स। देयर आर मोर देन 40 लाख जॉब्स, मोर देन 40 लाख जॉब्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एज वी मूव फॉरवर्ड। एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी हैव प्रूवन, मैंने तो आपको प्रूव कर दिया कि भाई जॉब्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपका सवाल होगा कि सैलरी कितना रहने वाला है। एनी नोविस डिजिटल मार्केटर कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम 4 लाख पर एनम टू 7.5 लाख, 8 लाख पर एनम। इनफैक्ट हमारे माई कैप्टन डिजिटल मार्केटिंग प्रो प्रोग्राम जो है हमारा, जो जॉब फोकस्ड प्रोग्राम है हमारा, वी हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग क्रैकिंग अ जॉब ऑफ 4 लाख पर एनम एज वेल, एंड वी हैव सीन स्टूडेंट्स क्रैकिंग अ जॉब ऑफ 7.5 टू 8 लाख पर एनम एज वेल। When it comes to the future scope of digital marketing, it is one of the most evolving, constantly evolving field. Har samay aapke Instagram ke algorithm change ho jate hain, Facebook change ho jata hai, bahut sari changes aati rehti hai. To agar aap ek digital marketer banna chahte hain, aapko bahut curious rehna padega aur bahut up to date rehna padega. Uske liye bahut sara content available hai. Aap constantly seekh ke ek bahut acche digital marketer ban sakte hain. The second field that is one of the most interesting to me personally as well, because मैं ये बनना चाहता था बचपन से, is content strategist. अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई content word तो मैं समझता हूँ, लेकिन एक content strategist क्या करता है? Let me get there. So एक example फिर से हम boat की ही लेते हैं और मैं search करूँगा do boat headphones have great bass और do boat headphones have great noise cancellation. अब बोट के ऑफिस में बैठी हुई है एक कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट जिनका नाम है प्रजक्ता, ठीक है? तो ये कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट बैठ के यही सोचती हैं कि अगर लोग बोट के हेडफोन्स खरीदने जा रहे हो तो वो यूट्यूब पे सर्च क्या करेंगे, और इसी के अराउंड वो एक स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज ऐसे होंगे जो बोलेंगे डू बोट हेडफोन्स एक्चुअली हैव ग्रेट नॉइज कैंसिलेशन, या कभी कभी आप देखेंगे बोट एक्सपोज्ड
राइट, वीडियो ऐसा होगा लेकिन जब आप उस पर क्लिक करेंगे और वॉच करेंगे तो पता चलेगा कि वो बोट को प्रमोट ही कर रहे होते हैं, राइट। ये सारा का सारा काम और ये करतूत जो है सारी की सारी, ये कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की होती है, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरीके से हम किस टाइप के कॉन्टेंट को प्रेजेंट करें। आप ये भी समझ सकते हैं सारी की सारी फ्यूचर कंपनीज जो हैं वो कंटेंट कंपनी रहने वाली हैं, हेंस अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑल कंपनीज। देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया एंड देयर नेवर गोइंग टू गो डाउन। अब जब मैंने आपको दिखा दिया कि जॉब्स तो बहुत सारी हैं लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी, इट डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन हाउ ग्रेट एंड क्रिएटिव अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट यू आर। अगर आप एक बहुत अच्छे कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख पर एनम से स्टार्ट हो सकती है। बट अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपको बहुत कम आइडिया है, तो आप कंटेंट राइटर या कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, जूनियर कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे समथिंग अराउंड 3.5 to 4 LPA कमा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जो पहले ही हमने बोला था कि क्रिएटिविटी का इसके साथ क्या रोल है। ये जो सब डिजिटल सारे के सारे ब्रांड डिजिटल आ रहे हैं, क्रिएटिविटी का इसके साथ क्या रोल है? इसका सिंपल जवाब रहता है इन द जेनरेशन दैट वी आर। वी एज आई लाइक टू कॉल इट आर एन इंस्टाग्राम जेनरेशन। हम लोगों ने अपना बचपन और अभी का टाइम भी पूरा का पूरा इंस्टाग्राम पे गुजारा है। इंस्टाग्राम पे हम कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं रील्स विच इज शॉर्ट फॉर्म, हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज विच इज अगेन शॉर्ट फॉर्म, और आजकल तो यूट्यूब पे भी यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया विच इज अगेन शॉर्ट फॉर्म। ये सब कंटेंट कंज्यूम करने के कारण हमारा अटेंशन स्पैन बहुत रिड्यूस हो गया, अटेंशन स्पैन हैज रिड्यूस्ड। नाउ इफ यू आर सपोज टू शो मी अ पीस ऑफ कंटेंट और एन एड एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रैब माई अटेंशन फॉर मोर देन 3 to 4 seconds, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, right? Paisa barbaad. The only way you will be able to grab my attention is via your creativity. The more creative you are, the more attention you can grab. The more attention you can grab, the more money you can make as a brand. It's as simple as that. I hope ye aapko samajh aa gayi. Now the third and again one of the most exciting career fields for people who are creative is graphic design. You interact with graphic design on a day-to-day basis. Be it the billboard that is right outside your house or on the way to your college or work, or be it the YouTube thumbnail that you just clicked on, or any Instagram post that you engage with, har ek piece of content ek graphic designer hi banata hai. Ab aap ye sawal puchenge, graphic design important kyun hai yaar? Dekhiye, psychologically speaking, any and everything where there is a pattern, जहां human brain को pattern दिखता है या repeatability दिखती है, वहां पे human brain को मजा आता है। जैसे अब की बार मोदी सरकार, right? It's a repeatable pattern kind of a statement, तो मजा आता है। Visually भी बिल्कुल वैसे ही aesthetics, repeatability और pattern के तौर पे बहुत अच्छी लगती हैं और इंसान को मजा आता है देख के, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इमेजिन करिए अगर बोट के हेडफोन्स ऐसे होने के बजाय ऐसे होते, तो क्या आपको अच्छा लगता? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। ह्यूमन ब्रेन एस्थेटिक्स चाहता है कंसिस्टेंटली, इसीलिए ग्राफिक डिजाइनर एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलेंगे यार ग्राफिक डिजाइन एज अ फील्ड तो बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है, तो फ्यूचर का स्कोप क्या है? इसका जवाब मार्क ज़करबर्ग जी देंगे आपको। आपको ये पता है कि फेसबुक ने रिसेंटली अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मेटावर्स, राइट? तो मेटावर्स क्या है? मेटावर्स इज अ फेक फिक्टिशियस वर्ल्ड जहां आप रह सकते हैं, जहां आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये फिक्टिशियस वर्ल्ड बनाता कौन है? दिस फिक्टिशियस वर्ल्ड इज बीइंग क्रिएटेड बाय 3D डिजाइनर्स एट द एंड ऑफ द डे, हु आर बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर्स ऑन स्टेरॉइड्स। तो एज वी मूव फॉरवर्ड, ग्राफिक डिजाइन इज नॉट गोना गो एनीवेयर, इज जस्ट गोइंग टू ग्रो। सैलरी कितनी है डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हाउ क्रिएटिव यू आर इन योर डिजाइन। आप कितना वैल्यू एड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। आप एनीवेयर बिटवीन 35K पर मंथ टू 50K पर मंथ की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ बिगिनर और अ नोविस ग्राफिक डिजाइनर। एज यू मूव फॉरवर्ड, मैंने देखा है कि लोग 10 लाख पर एनम भी कमाते हैं, 12 लाख पर एनम भी कमाते हैं, एंड देयर इज enough scope for the same. Now, the fourth interesting job role for people who are creative is UI/UX design. Simple way of explaining is, right now, आप सब के सब लोग ये वीडियो YouTube के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप Instagram यूज करते हैं, WhatsApp यूज करते हैं, Facebook यूज करते हैं। Have you ever thought
why does Instagram look like the way does it that it looks like? Or why does YouTube look like the way that it looks like, right? और जो YouTube का जो ये लाइक बटन है अभी इस पर क्लिक करिए एक बार, क्लिक करिए, क्लिक करिए एक बार, बस एक बार क्लिक करिए, शाबाश। क्या आपने देखा कि वो लाइक बटन का कलर चेंज हो गया, राइट? अब सब्सक्राइब बटन है बिल्कुल राइट पे, वहीं पे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, अब देखिए उसका कलर भी चेंज हो गया, वो रेड से ग्रे हो गया। अगर आपने अभी तक उसको रेड से ग्रे नहीं किया है तो अभी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कर लिया ग्रेट। अब ये डिसीजंस कौन लेता है कि ये रेड से ग्रे होना चाहिए या ये व्हाइट से ब्लू होना चाहिए या ऐसा दिखना चाहिए? ये एक UI UX डिजाइनर ये डिसीजंस लेता है, समझे? अब आप बोलेंगे इस फील्ड में एंट्री कैसे करना है? मेरे तजुर्बे में, मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने आज तक ये देखा है कि जो भी ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं सारे के सारे, जो थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइन कर लेते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप जो करियर का होता है, हम हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है तो आप एक UI UX डिजाइनर के तौर पर जा सकते हैं। एंड UI UX डिजाइनर इज वन ऑफ द मोस्ट high paying job roles for any fresher. If you're good, you can start your career at something like 5 lakh or 6 lakh per annum, and that is actually really really good for a fresher. Right now there are more than 10 lakh jobs open for UI UX designers in India. Why? Because there are so many digital products and digital apps. Har din ek nayi app aati hai India mein. Now the fifth interesting and exciting career or job role for a creative person is that of a video editor. अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अभी YouTube पे ही हैं, क्या आपको ये पता है कि YouTube पे दिन के हर घंटे में 30,000 से ज्यादा वीडियोज अपलोड होते हैं? जस्ट इमेजिन, पूरे दिन में नहीं, हाफ अ डे में भी नहीं, हर घंटे 30,000 से 30,000 से ज्यादा वीडियोज अपलोड होते हैं। कितना सारा कंटेंट है इंटरनेट पे, उस पे 80-85% कंटेंट जो है वो वीडियो कंटेंट है, और अभी तो शुरुआत ही हुई है। अब आप बोलेंगे वीडियो एडिटर करता क्या, ये जो पूरा का पूरा वीडियो कंटेंट के बारे में बात करें, पूरा का पूरा वीडियो कंटेंट एक वीडियो एडिटर एट द एंड ऑफ द डे बनाता है, इसको एडिट करता है, इसमें कलर करेक्शन करता है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करता है, इसमें इसका साउंड करेक्शन करता है, एंड एट द सेम टाइम इसके सारे के सारे ब्लूपर्स लेके इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल के मुझे ब्राइब करता है। जैसे ये कैमरा रोलिंग, ऑडियो रोलिंग, टेक वन पार्ट वन, पार्ट टू टेक वन, पार्ट थ्री टेक वन, टेक 32 एक्शन। एंड आर दीज जॉब्स एंड करियर्स ओनली फॉर क्रिएटिव पीपल? इसका सवाल भी Challenge in gaya chale ek kaam kar 200 rupaye de aur 50 rupaye cut over acting ke vich got now jokes apart aap ye puchhenge ki ek video editor kitna kama sakta hai how much does a video editor earn what do they do exactly what a day in the life of a video editor looks like it's very simple it's exactly like that of a graphic designer a video editor's responsibility is to sit with the content strategist and be able to convert the vision of the content strategist into a video. Is the video going to be funny? Is the video going to be catchy? Is the video going to be fast? Is the video going to be slow? All of these things are decisions that a video editor at the end of the day takes. When it comes to salaries, the salary of a video editor is very similar to that of a graphic designer, but there is a twist here. If you are a very brilliant video editor and you are able to very creatively edit large videos, good videos for brands, for ads, etc., you could literally be paid a lakh or more than a lakh for one single video. Just imagine, साल में आपने 6 videos edit किए और आपने 6 लाख रुपए कमा लिए, जो usually सब लोग slog करके कमाते हैं. So it's one of the most lucrative job roles out there, because video content is not going to go anywhere. Video content is just going to grow and grow and grow and grow. And then there is on top of that, obviously there is VFX and animation as well that these video editors kind of segue into. Now these were the 5 top careers that are interesting for creative people. I'm sure that there are more careers that you're interested in. I would like you to comment in the section below. या आप मुझे इतना बता दीजिए at least कि इन 5 careers में से आपको क्या लगता है आपके लिए best career कौन सा है? I hope I have added some or the other value to you and your time. If I have,
देन प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू जाके उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अदर वीडियोज दैट आर गोना कम आउट. कैप्टन रूहान हियर साइनिंग ऑफ. इट्स गोना बी फन. टेक केयर.